हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी. स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी. सो बच्चों, आज हम सबसे पहले अपनी इंग्लिश की स्टोरी रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो मैम के साथ स्टोरी रिवाइज करिए और उसके बाद बच्चों ने अपनी वीडियो मैम को भेजनी है और मैम क्लास में भी आपसे ये स्टोरी सुनेंगे. ओके बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं. चलो बेटा, अब हम रिवाइज करते हैं इंग्लिश की स्टोरी. आप सबने ये स्टोरी की है ना, द हेल्पफुल माउस. सबसे पहले मैम आपको एक्शंस के साथ रिवाइज करवाएंगे, उसके बाद आप अच्छे से लर्न करोगे और वीडियो भी बनाओगे और मैम आपसे ये स्टोरी क्लास में भी सुनेंगे. तो चलो लेट्स स्टार्ट. One day, a lion met a mouse. The mouse said, "Will you be my friend?" The lion laughed, "Ha ha 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 ha! Me and your friend," and walked away. One day, lion was caught in a net. He shouted, "Help me, help me, help me." The mouse reached there. The mouse cut the net with his sharp teeth. Then they were friends forever. Moral of the story is always be helpful. तो आप सबको मज़ा आया? इस तरह से आपने एक्शंस के साथ ये स्टोरी अच्छे से लर्न करनी है. ओके बेटा, फिर मैम आपसे सुनेंगे. तो बच्चों, इस तरह से आपने स्टोरी बहुत अच्छे से लर्न करनी है. तो बेटा, तो बच्चों, क्या आप सबको एनिमल्स पसंद हैं? यस, मुझे तो बहुत पसंद है. और बेटा, हमने एनिमल्स का टॉपिक पहले भी किया है. तो बच्चे, आप बताइए, जू में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? यस, जू में लायन होता है, टाइगर होता है, एलिफेंट होता है, हॉर्स होता है, डक्स होती हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हों. हर एनिमल जू में हमें देखने को मिलता है. तो आज चलिए हम सभी एनिमल्स को देखते हैं जू में और उसके बाद हम एक पोयम एंजॉय करेंगे. ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं. वाओ, लुक हियर. तो देखो हम कहाँ आ गए. सो मैनी एनिमल्स आर देयर. वाओ, देखो कितने सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर, है ना? तो आज मैम आपको बहुत सारे एनिमल्स से मिलवाएंगे. ओके, टेल मी व्हाट इज दिस. दिस इज एन एलिफेंट. और जू में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? लायन, बियर, एलिफेंट. आप भी जाते हो ना जू देखने? व्हाट इज दिस? This is monkey and this is cat. Cat तो आपने देखी हुई है, ये वाली cat से तो आप पहले भी मिले हो. What is this? This is dog. What is this? This is monkey. And this is rabbit. Rabbit क्या खाता है? Carrot. और monkey क्या खाता है? Monkey खाता है bananas. This is zebra. Zebra. This is frog. And what is this? This is tiger. This is hippo. And this is rhinosaur. And what is this? This is bear. This is again a lion. Which picture is this? This is the picture of dog. And this is an elephant. This is the picture of goat. And what is this? This is yak. And do you know what is this? This is हॉर्स. यूनिकॉर्न भी होता है ऐसा. एंड दिस इज डियर. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज काओ. काओ गिव्स अस मिल्क. सो मैनी एनिमल्स आर देयर ना, लुक हियर. वाओ, आपने कितने सारे एनिमल्स से मिले, है ना? आपने इन सबके नेम्स भी लर्न करने की कोशिश करनी है. ओके बेटा,
डू यू नो बेटा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं और कुछ एनिमल्स को हम पाल भी सकते हैं, यानी अपने घर में भी रख सकते हैं, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और जो एनिमल्स को हम घर में नहीं रख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। ओके, जैसे कि डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग को हम रखते हैं ना, एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, डॉग इज अ पेट, मंकी इज ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल, बट कुछ लोग मंकी को रखते भी हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल भी है। कैट इज ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी इन्हें हम पालते हैं, ये पालतू जानवर है। ये फ्रॉग, जीब्रा, ओके, लायन, बियर, हिप्पो, राइनासोर, टाइगर, डियर, हॉर्स, हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल। बाकी सारे जो मैम ने नेम लिए वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो जंगल में रहते हैं, उन्हें हम घर में नहीं रख सकते। टाइगर को नहीं रख सकते, लायन को, बियर को, हिप्पो को, राइनासोर को, एलिफेंट को और डियर को, हॉर्स हॉर्स रख सकते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? काओ, काओर होती है ना, आप सबके घरों में कईयों ने देखी होगी काओ। हॉर्स भी कई लोग रखते हैं अपने पास, मंकीज भी कई लोग रखते हैं, कैट्स रखते हैं, डॉग रखते हैं, और क्या रखते हैं? रैबिट्स, कई लोग अपने घर में रैबिट्स को भी रखते हैं। जीब्रा भी वाइल्ड एनिमल है। तो बेटा कुछ एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। चिल्ड्रेन, डिड यू एंजॉय द पोयम? यस, मैंने तो बहुत इंजॉय किया जू में। क्या क्या देखा आपने जू में? मंकी, लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड सो मेनी एनिमल्स। तो आप भी इंजॉय करते हो ना जब जू में जाते हो, डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम इस पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज शोन इन दिस पोयम?
आंसर इज जू इज शोन इन दिस पोएम. क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट वाज द मंकी डूइंग इन द पोएम. आंसर इज मंकी वाज स्क्रैचिंग इन द पोएम. क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच एनिमल इज स्लीपिंग इन द जू. सो लायन इज स्लीपिंग इन द जू. सो बच्चों आपने ये पोयम बहुत अच्छे से पूरे मज़े से पूरे इन्जॉय से विद एक्शन लर्न करनी है. ओके साथ साथ एक्शन करना है. जब मंकी आए तो स्क्रैचिंग, ठीक है, जब लायन आए तो स्लीपिंग, एलिफेंट आए तो डांसिंग, और इसी तरह से टाइगर आए तो रोरिंग. इसी तरह से सब एक्शंस करके अच्छे से लर्न करनी है. और जब 2-3 डेज में आपको ये पोयम लर्न हो जाए, आपने मैम को इसकी वीडियो ज़रूर सेंड करनी है बेटा. आपकी अटेंडेंस लगती है और चेक भी होती है. ओके बेटा, बाय बाय.